के साथ। सोना चांदी की खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया का दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। इस दिन पूरे देश में एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ का कारोबार होता है, लेकिन लगातार 2 सालों से लॉकडाउन के बीच पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन व्यापार बंद होने की वजह से इस कारोबार को करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने बताया कि लगातार 2 साल लॉकडाउन में अक्षय तृतीया का त्यौहार पड़ने के कारण देश के ज्वेलरी व्यापार की कमर टूट गई है। इन हालातों में व्यापार अब दोबारा कैसे संभलेगा, इसकी चिंता ज्वेलरी व्यापारियों को ज्यादा सता रही है। वहीं 1 जून से देश में सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग कराना होगा, जिसके लिए ज्वेलरी व्यापारी अभी तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारे संगठन कैट एवं IIGF दोनों ने केंद्र सरकार से इस तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले ग्राहकों ने बहुत ऑर्डर दिया था और खामियाजा उसका ये हो गया कि हम लोग को दोहरी मार पड़ गई। एक तो बिक्री कुछ नहीं हुआ और दूसरा जो जेवर तैयार कराया गया कारीगरों के यहाँ से वो लेने ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उसके पेमेंट के बदले में अब उसको गलाना, वो सारा नुकसान दुकानदारों को बहुत हुआ है। लगभग कितने की नुकसान होती हुई है? कम से कम पूरे देश में लॉकडाउन है, 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। सच के साथ।